हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक है हमारे पास निबंध, और निबंध का नाम है हमारे पास राष्ट्रीय एकता। तो आज हम इसको पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। एक छोटे से छोटे परिवार तथा बड़े से बड़े देश की तरक्की उसकी एकता पर निर्भर करती है। बेटा एकता में बहुत अधिक बल होता है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता और सभी मिलकर उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया है कि एक छोटे से छोटे परिवार तथा बड़े से बड़े देश की तरक्की उसकी एकता पर निर्भर करती है। भारतवर्ष कई राज्यों का एक संघ है। कैसा संघ है? कई राज्यों का एक संघ है, जहां अलग अलग भाषा, अनेकों धर्म तथा और अलग विचारों के लोग रहते हैं। हमारे देश में बेटा अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। जहां स्थिति ऐसी हो वहां एकता का महत्व अधिक बढ़ जाता है। भारत एक सांस्कृतिक देश है। हमारा एक संविधान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। बेटा हमारा कैसा संविधान है? एक संविधान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत एक धागे में बंधा हुआ है, एकता के धागे में बंधा हुआ है। अब देखो, जब बिना एकता के एक छोटा सा परिवार नहीं चल सकता, तो किसी देश की तरक्की में तो एकता का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। एकता के बिना जब एक हमारा छोटा सा परिवार नहीं चल सकता, तो बेटा देश की तरक्की कैसे हो सकती है? जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों तथा अलग अलग विचारों के लोग रहते हों, जब तक देश एकता के अटूट बंधन में बंधा रहता है, तब तक किसी भी विदेशी शक्ति में आँख उठाकर देखने की शक्ति नहीं होती। मैं कहने का मतलब ये है कि जब तक सारा देश एकता के बंधन में बंधा हो, तो कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं कर सकता। एकता अभाव में ही श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण का सूर्यनाश कर दिया था। एकता का अभाव मतलब कि जो रावण का भाई था विभीषण, उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, उनमें एकता नहीं थी, और वो ही लंका का सूर्यनाश का कारण बना था। परंतु जब देश में एकता का अभाव हो, तो देश विनाश के गर्त में चला जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर कि जब देश में एकता का अभाव, मतलब जब देश में एकता नहीं होती, तो विनाश के गर्त में चला जाता है देश। राजपूतों की आपसी फूट के कारण ही मुगलों के पैर जम गए थे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण ही भारत पर आक्रमण करने का साहस जुटाया था। अब देखो बाधाएं देखो इसकी। भारत की एकता में सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की है। एकता में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाषा। भाषा की विभिन्नता के कारण ही देश के लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। भाषा को लेकर आए दिन दंगे होते हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर दूसरी बाधा है सांप्रदायिकता की। हर दिन विभिन्न संप्रदायों के लोगों के झगड़े होते रहते हैं। और बेटा तीसरी बाधा है प्रांतीय, और चौथी बाधा है जातीयता की। इन सब कारणों ने भारत को, राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर दिया है। ये हमारी देश की चार बाधाएं हैं बेटा, जो हमारी भारत की राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर देते हैं। अब है बेटा राष्ट्रीय एकता के उपाय। ऊपर बताए गए कारणों को दूर करके राष्ट्रीय एकता को पहले की अपेक्षा मजबूत किया जा सकता है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात उन सब बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है जो राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधा पहुंचा रही है। इसमें संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रांतीयता, सांप्रदायिकता और जातीयता में वृद्धि हुई है। किसके बाद बेटा? स्वतंत्रता, आजादी प्राप्ति के बाद प्रांतीय, सांप्रदायिकता और जातीय में वृद्धि हुई है। अतः हमें फिर से उन समस्याओं का समाधान करना होगा जो हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है। अब देखो आगे, सार रूप में कहा जा सकता है कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय एकता को स्थिर रखने के लिए तन, मन और धन से कार्य
करें। किसको बनाए रखने के लिए बेटा? राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हर नागरिक को चाहिए कि वो तन और मन धन से कार्य करें। उसे उन भावनाओं और विचारों से दूर रहना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचाते हैं। उसे किसी लालच में आकर अपने देश की एकता को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि राष्ट्र में रहने वाले हम सभी नागरिक एकता के सूत्र में बंधकर रहेंगे तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे माला में पिरोए हुए हर मोती का महत्व हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसे माला में पिरोए हुए हर मोती का महत्व तब तक ही होता है जब तक वे माला में रहता है। क्योंकि बेटा एक एक मोती से ही माला बनती है। अगर हम उन मोतियों को अलग कर देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। माला के टूट जाने पर मोती बिखर जाते हैं और उनका कोई महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार हर नागरिक या राज्य का महत्व राष्ट्र के साथ जुड़कर रहने में है। कहने का मतलब ये है कि बेटा हमें अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हर नागरिक को अपने तन मन धन से कार्य करने चाहिए। जिससे एकता में का अभाव हो वो कार्य नहीं करने चाहिए। बेटा जिस प्रकार इसमें बताया है, मोती का उदाहरण दिया है कि माला में पिरोए हुए मोती हैं, उनका तभी तक महत्व होता है जब तक कि वो एक साथ बंधे होते हैं और उनको अगर हम खोल देते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो कैसे हो जाते, बिखर जाते हैं। इसी प्रकार बेटा झाड़ू का महत्व है। अगर हम झाड़ू को बांध कर रखते हैं तो ही हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं, वो कार्य में ले सकते हैं उस झाड़ू को। अगर हम उसके तिनकों को अलग अलग कर देते हैं तो वो झाड़ू किसी काम की नहीं रह जाती। तो इसी प्रकार बेटा एकता में बहुत अधिक बल है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहिए, अपनी राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारा निबंध है राष्ट्रीय एकता। अब सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।